इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर भोजपुरी इंडस्ट्री की सभी खबरें पाएं, साथ ही इस घंटी को दबाएं ताकि भोजपुरी की सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सिर्फ 2 मिनट में हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बड़े खबरें बताने वाले हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सुपरस्टार पवन सिंह जी की। हाल ही में वांटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वे म्यूजिक की ऑफिशियल चैनल पर जाके इस ट्रेलर को आप देख सकते हैं। और लगातार इस फिल्म की डेट बढ़ाई जा रही है कि फिल्म कभी बताया जा रहा है कि 24 तारीख को रिलीज़ होगी, कभी 26 को, कभी 27 को। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से हमने बात किया तो बताया जा रहा है 30 अप्रैल को वांटेड फिल्म सभी सिनेमा हॉलों में लग जाएगी। ये फिल्म भोजपुरी को एक अलग पहचान देगी, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर देखते ही पता लगता है कि इस फिल्म में कितना टेक्नीशियन काम हुआ है और कितना पैसा खर्च किया गया है। दूसरी बड़ी खबर है निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 3। इस फिल्म का ट्रेलर 14 जुलाई को YouTube पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये फिल्म सभी सिनेमा हॉलों में ट्रेलर रिलीज़ होने के 10 दिन के बाद प्रदर्शित कर दी जाएगी। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, इनकी भी एक धमाकेदार फिल्म आ रही है जिसका नाम है दबंग सरकार। हम आपको ये बता दें कि खेसारी लाल की ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। साथ ही इस फिल्म के ट्रेलर का रिलीज डेट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि आपने खेसारी लाल की फिल्म मेहंदी लगा के रखा था तो देखा ही होगा, इसका पार्ट 2 बन रहा है और इसमें खेसारी लाल की जगह चिंटू काम कर रहे हैं। चिंटू ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा है कि इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए हम पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से खेसारी लाल की मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 थी, उसी तरीके से इसका पार्ट 2 हम और अच्छी तरीके से बना रहे हैं। देखते हैं जिस तरीके से खेसारी लाल की फिल्म मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 सुपर हिट हुई थी, क्या पार्ट 2 सुपर हिट हो पाएगी। फटाफट खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।